एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। और आज जो है वीडियो, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि एक तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सीजी रोड में म्यूनिसिपल मार्केट में, और यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। जब हम लोग टीनेजर्स हुआ करते थे तो वी यूज़ टू हैंग आउट एट दिस प्लेस, म्यूनिसिपल मार्केट में हम लोग हैंग आउट करते थे। और आज हम लोग पहुँच गए हैं पुरोहित सैंडविच पर, जिसका आउटलेट है बेसिकली यहाँ पे म्यूनिसिपल मार्केट पर। तो सैंडविच एक तो मेरा बहुत ही फेवरेट फूड है, और मेरा ही नहीं काफ़ी सारे लोगों का सैंडविच जो है वो फेवरेट फूड है। और पुरोहित अगर बोलते हैं तो पुरोहित इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेम्स, एक काफ़ी पुराना नाम है सैंडविचेस में। तो सैंडविच बोले तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक पुरोहित। तो आज हम लोग आ गए यहाँ पे पुरोहित सैंडविच के म्यूनिसिपल मार्केट के आउटलेट पर, और यहाँ पर पहले तो काफ़ी लिमिटेड आइटम्स आती थी एज़ फार एज़ सैंडविचेस आर कंसर्न, लेकिन आज देखिए ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ है सैंडविचेस में। तो चले अंदर और देखें कि आज हमारे लिए क्या है, और हम लोग यहाँ पुरोहित सैंडविच के जो ओनर है उनसे भी कुछ बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए चले अंदर। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको आपको बोला कि आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पर आए हैं, जो कि पुरोहित सैंडविच है, और पुरोहित एक काफ़ी पुराना नाम है सैंडविचेस में। तो सैंडविचेस अगर बोलते हैं तो पुरोहित की होती है। तो आज हमारे साथ में है जगदीश भाई। जगदीश भाई, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच हमको इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। तो जगदीश भाई, ये पुरोहित जो है वो सैंडविचेस में काफ़ी पुराना नाम है, और हम लोग जब से छोटे थे तब से हम लोग उसको सुन रहे हैं कि सैंडविचेस हो तो पुरोहित की, और काफ़ी सारी पुरोहित की सैंडविचेस हम लोग ने खाई भी है। तो कुछ बताइए हमको कि पुरोहित किस तरह से शुरू हुआ, कौन से साल में शुरू हुआ? 1962 से स्टार्ट हुआ हमारा। हाँ ठीक है, हमारे पिताजी एक अच्छे कुक थे। हाँ, तो क्या किए, उनके जो ओनर थे वो भी खाने के काफ़ी शौकीन थे, तो उनको भी कुछ नया चाहिए, हर 6 महीना तक कुछ नया प्रोडक्ट लाओ, कुछ नया प्रोडक्ट लाओ। तो उनको सैंडविच खिलाया, उनको बहुत पसंद आ गया। तो उन्होंने बोला कि आप इस नया बिजनेस भी करो, आपके पास जो टाइम बचता है उसमें आप बिजनेस करिएगा, अच्छा लगेगा। तो उस टाइम से फिर हमने स्टार्ट किया। 62 में फिर फादर आए आश्रम रोड पर, वहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक का शॉप था, वो भी बहुत फेमस था। तो आपकी फर्स्ट जो ब्रांच हुई वो आश्रम रोड, वो आश्रम रोड पे हमारी। अच्छा, ओके 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 सर। तो गाइस, जैसे कि जगदीश भाई ने हमको बताया कि 1962 में पुरोहित सैंडविच ने अपनी सैंडविचेस बेचना, बनाना और बेचना चालू किया है। तो इनकी सैंडविचेस जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है, तो क्योंकि बिकॉज दे आर द पायनियर्स, ये लोग पायनियर है सैंडविचेस में, और इन लोग ने वो टाइम पे सैंडविचेस बनाना और बेचना चालू किया जबकि लोग ब्रेड खाने के भी आदी नहीं थे यहाँ पर अहमदाबाद में। करेक्ट जी, राइट जी। तो तब उन्होंने, और ये जो सैंडविचेस का जो कॉन्सेप्ट था वो फॉरेन कंट्रीज़ में था, यहाँ पर था भी नहीं, और मे बी आउट ऑफ स्टेट्स में था बट अहमदाबाद में नहीं था। लेकिन अहमदाबाद में लाने वाले फर्स्ट जो है वो पुरोहित सैंडविच है। तो जगदीश जी बताइए कि आपकी सैंडविचेस, अभी तो बहुत सारे सैंडविच वाले हो गए, तो आपकी सैंडविचेस में ऐसा तो क्या खास है कि सब लोग पुरोहित की सैंडविच खाना चाहते हैं? एक तो एक यूनिक टेस्ट है हमारा, और थोड़ा आपका प्यार और हमारा प्यार वो मिलता है तो फिर जाके फिर 100%। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक। इसमें आपका चटनी के ऐसा कुछ जो होता है वो चटनी और मसाले, वो मसाले मसाला उसमें हमारे पर्सनल रेसिपी होती है। अच्छा, जो हम किसी को दिखा देने, हम खुद उसको बना के पैक करके दे देता है कि उसको सिर्फ मेरे अंदर मिक्सिंग करना रहता है। एब्सोल्युटली, वो ज़्यादा। एब्सोल्युटली। तो गाइस, जैसे जगदीश भाई ने हम उनको बताया कि ये जो उनके जो सैंडविचेस होते हैं उसमें उनकी सीक्रेट रेसिपीज़ के वाले जो मसाले पड़ते हैं, जो भी उसकी उनकी चटनी होती है, उनके उनके रेसिपीज़ होती है, तो ये जो होते हैं, ये जो ये दिस आर नॉट मेड पब्लिक ऑफ कोर्स, तो ये वाले होते हैं। और दूसरा, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि उनका प्यार भी होता है इसमें सैंडविचेस में। आपके यहाँ पे सबसे पॉपुलर सैंडविचेस कौन सी है? हाँ, हमारा आलू मटर सैंडविच सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, ठीक है। फिर एक नॉर्मल चला, फिर जैसे अभी तो कुछ 20-25 साल से ग्रिल सैंडविच का स्टार्ट हुआ। अच्छा। उसके पहले नया प्रोडक्ट तो फ्राइड सैंडविच था, फ्राइड सैंडविच जिसमें ब्रेड को पूरा फ्राई करके बना दे, वो भी एक यूनिक था। आज भी मतलब कोई अगर बाहर से आता है 25-30 साल पुराना, वो याद करता है तो बोले चलो फ्राइड सैंडविच खाएंगे। अच्छा, फिर अब हेल्थ के थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हुआ तो फिर रेगुलर सैंडविच आए, ग्रिल पे आए। और यूनिक बात ये अच्छी है कि आज 60 साल हो गया, ये प्रोडक्ट आज भी एवरग्रीन है। तो गाइस, ये सैंडविचेस जो है वो अभी
पहले आई थिंक आपने जब शुरू किया होगा तब तो थोड़ी मतलब हैंडफुल ऑफ सैंडविचेस रही होगी, जैसे चीज़ सैंडविच है, आलू मटर सैंडविच है, वेजिटेबल सैंडविच है, बट लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ लगभग 100 से भी ज़्यादा वेराइटी है सैंडविचेस की। तो क्या बोलते हैं, पहले एक ही सैंडविच स्टार्ट किया कि आलू मसाले वाला। अच्छा, तो ऐसे देखा जाए तो पहले लोग बोलते थे बटाका बटाना में साग, वही होता था। तो पायनी नाम मतलब आलू मटर ही बोल सकते हैं, आ तो आलू मटर हर सब्जी में बोलते, घर में भी कुछ भी बोल सकते हो। तो पहले तो क्या गुजराती वाले आलू बटाका बटाना में साग, बटाका बटाना में साग गुजराती प्रॉपर वाले। तो और एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे कि ये जो आपका मैंने एक देखा यहाँ पे चॉकलेट पाइन एप्पल सैंडविच है, तो कितने चॉकलेट पाइनएप्पल चीज़ सैंडविच है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो ऐसे कितने लोग होते हैं कि जो वो खाना प्रेफर करते हैं? चॉकलेट लवर वो हमेशा करते हैं, और उसको डेजर्ट के जैसे सैंडविच खा लिया ग्रुप है चार पांच, सबने खा उसके चलो डेजर्ट होता है, तो चॉकलेट पाइनएप्पल चीज़ जैम पाइनएप्पल डेजर्ट सैंडविच है, तो और बच्चों का तो फेवरेट है चॉकलेट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, तो ग्रेट फैंटास्टिक। तो जगदीश भाई के साथ में बात करके बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ पे। और जगदीश भाई, तो आज हम लोग कौन सी सैंडविच, ये सारे जो वेराइटीज़ है उसमें से कौन सी सैंडविच टेस्ट करें? अभी लेटेस्ट में मैंने दो दिन पहले ये पनीर सैंडविच चालू किया मैंने। अच्छा, सैंडविच तो खिलाते रहते हो, सैंडविच में कुछ नया हर साल कुछ नया लगाना पड़ता है, कोई कुछ नया, तो पनीर मतलब इटालियन वाले। ओके, सैंडविच अमेरिकन वाले। ओके, दो ब्रेड के बीच में मसाला लगा, गुजराती में उसको पाव रोटी बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में उसको ब्रेड बोलते हैं, और उसका ब्रेड में बनाया तो उसको सैंडविच नाम हो गया। पनीनी अभी सैंडविच का ही नाम है, तो उसको पनीनी इटालियन वाले। ओके, ठीक है, तो हमने वो नया स्टार्ट करते ताकि लोगों को भी कुछ नया मिले, नया टेस्टी भी मिलना चाहिए, उस हिसाब से उसका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आज कौन सी सैंडविचेस हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं? आपको एक तो आलू मटर के बना के खिलाएंगे, एक आपको फ्राइड सैंडविच खिलाएंगे। ओके, और एक या दो पनीर आपको हम लोग ट्राई कराते हैं। ग्रेट फैंटास्टिक, तो रेडी हो जाए अपने सैंडविचेस टेस्ट करने के लिए। सैंडविचेस आर माई फेवरेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। गाइस, अभी ये आलू चीज चटनी सैंडविच हो रही है तैयार। ये उनका जो मसाला है, वो एक अलग किस्म का मसाला है जो कि ट्रेड सीक्रेट है उनका। बटर का लेयर लगा हुआ है इसके ऊपर। और हो गई अपनी आलू मटर चीज सैंडविच रेडी। देख सकते हैं आप कितनी सारी वैरायटी ऑफ सैंडविचेस है, तो अलग अलग टाइप की सैंडविचेस है, जैसे केला मटर है, यहाँ पर अगर देखें तो चीज़ जैम पाइनएप्पल सैंडविच है, चॉकलेट सैंडविच है, चॉकलेट चीज़ सैंडविच है, सो काफ़ी सारी वेराइटीज़ है यहाँ पे पुरोहित पर। तो उन्होंने बेसिक सैंडविचेस से शुरुआत की थी और 1962 में की थी, और अभी इनका ये आउटलेट है जो कि इनका सेकंड आउटलेट खुला है। तो बेसिकली पुरोहित सैंडविच के जो है वो चार आउटलेट थे, उनका फर्स्ट आउटलेट आश्रम रोड पे था, और ये जो आउटलेट है ये सेकंड आउटलेट है। उनके दो और आउटलेट है, एक जो है वो सीमा हॉल के सामने प्रहलाद नगर पे है और दूसरा तलतेज में है। तो टोटल फोर आउटलेट्स। गाइस, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है अभी, फ्राई हो गए सैंडविच 40 हज़ार। The bread has been fried. ये गरम सैंडविच है, विश्वाली अरे विश्वाली। ओके, अरे ये क्या है? सूरा आलू मटर का। ओके, फाइन। तो मसाला लग रहा है अभी इसके ऊपर, खीरा और टमाटर आ रहा है उसके ऊपर भी। बीस रुपये का ख्याल है। तो बेसिकली इट्स वेजिटेबल सैंडविच, और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि पुरोहित पे प्योर वेज सैंडविचेस मिलती है। और अब मेरा फेवरेट पार्ट, चीज़ का गार्निश होगा उसके ऊपर। That's a lot of cheese. No, I will give you that. Bread to apple puree. Ali, Ali, what is the vegetable? What is the bread?
इसके ऊपर अगेन मसाला लगा उनका पुरोहित सैंडविच का फेमस मसाला। और अभी कट हो रही है ये सैंडविच बीच से काम करते बढ़िया लगती है इससे थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर रशियन फ्राई रेडी। तो गाइज भाई हमको बता रहे थे कि पनीनी सैंडविच जो है वो अभी अभी उन्होंने लॉन्च किया है। तो गाइज मैं ये आपको आपको दिखा दूं कि ये जो ब्रेड है इससे बनेगी हमारी पनीनी सैंडविच। तो ये पूरा पूरा जो ब्रेड है इसके ऊपर बनेगी। तो गाइज अभी द मेकिंग ऑफ पनीनी सैंडविच हो रहा है। आ जाओ मैं अंदर से आप दो को काटा गया है हाफ में ग्रीन चटनी और अभी ग्रीन चटनी है पुरोहित की फेमस पॉपुलर स्पाइसी। इसको हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए ये वाइट चीज़ स्प्रेड लगाया पहले उसके बाद में मसाला लगाया उसका बेस हो गया रेडी। ये क्या है पनीर पनीर ओके पनीर जा रहा है उसके अंदर पनीर के स्लाइसेस जा रहे हैं पूरे पूरे। पूरी सैंडविच में हो रहा है पनीर चाट मसाला आ गया उसके ऊपर ओके उसके ऊपर बटर हो रहा है अभी और ये जाएगी ग्रिलर में इंडियन लगा तो 3 मिनट तक ग्रिल होगी सैंडविच और फिर हो जाएगी तैयार पनीनी सैंडविच खाने के लिए। तो गाइज मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के आपको पता चल ही गया होगा कि खाना सर्व हो चुका है। खाना सर्व होते ही मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है एंड काफ़ी लवली डिशेस हो गई है सर्व। तो पहले ये जो है ये आलू मटर चीज़ सैंडविच है और ये जो है आलू मटर जो सैंडविच है दैट इज़ अ सैंडविच वो यही सैंडविच है जिससे उन्होंने शुरुआत की थी 1962 में। तो ये धरोहर है उनकी और इनकी सिग्नेचर डिश है। तो इनकी जो आलू मटर सैंडविच है दैट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इट इज़ फैंटास्टिक आई एम श्योर उसका टेस्ट भी सॉलिड होगा। ये जो है वो अभी हमने देखा जो पनीनी सैंडविच है और ये जो है ये रशियन क्लब सैंडविच रशियन क्लब फ्राइज सैंडविच है। तो शुरू करें हम लोग खाने का लेट मी टेस्ट इट। तो पहले मैं इनकी जो आलू मटर चीज़ सैंडविच है वो टेस्ट करूँगा। चीज़ वैसे भी मेरा फेवरेट है तो लेट मी टेस्ट इट आई डिप इट इन सॉस। रियली वेरी नाइस आलू मटर जो टेस्ट है यहाँ का वो बिल्कुल अलग ही होता है। और इनकी पुरोहित की सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो सैंडविच है वो आलू मटर ही है। इट रियली टेस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वेरी नाइस लेट मी टेक अनदर बाइट। तो गाइस आपको याद दिला दूँ कि हम लोग ये जो सैंडविच टेस्ट कर रहे हैं ये बेसिकली पुरोहित की सैंडविच है और पुरोहित जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैंडविचेस में काफ़ी पुराना नाम है और इट इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड नेम एज़ फार एज सैंडविचेस कंसर्न। और इट इज़ नो सरप्राइज क्योंकि उसका टेस्ट ही इतना बढ़िया है। और ये जो है ये आलू मटर सैंडविच है सिग्नेचर सैंडविच है टेस्ट वेरी नाइस। इसका जो ब्रेड है वो एब्सोल्युटली फ्रेश है और जो आलू मटर का मसाला है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी फ्रेश वेरी नाइस। तो गाइस अगर आप लोग अहमदाबादी हो बराबर तो आपने 100% पुरोहित का नाम सुना ही होगा। और अगर आप लोग सैंडविच के चाहक हो जो कि
ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग हैं, तो आपने 100% पुरोहित की सैंडविच खाई ही होगी आई एम श्योर। और ये जो है आलू मटर सैंडविच जो है वो पुरोहित की, इसका एक इसकी एक खासियत है कि ये स्वीट भी है और ये तीखा भी है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट इज़ रियली नाइस। तो गाइस जगदीश भाई हमको ये बता रहे हैं कि ये जो है ये जो सैंडविच लॉन्च हुई थी वो 62 में हुई थी जी, और ये जो सैंडविच लॉन्च हुई वो 1972 में हुई जी। ओके ग्रेट, तो 10 साल के बाद में ये वाली सैंडविच लॉन्च हुई। तो लेट मी टेस्ट दिस, ये ग्रिल्ड है, सॉरी ये फ्राइड है, सॉरी फ्राइड है। काफ़ी क्रंची है और फीलिंग बढ़िया है इसके इसके अंदर, इसके अंदर भी मसाला है, फीलिंग है, चीज़ है, ग्रीन मसाला है, वेजिटेबल्स है, बहुत बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया। इनफैक्ट जब ये फ्राई हो रही थी तभी ये गोल्डन फ्राई हो के निकली, तभी ये इंटरेस्टिंग हो रही थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और उसकी स्मेल जो है वो बहुत ही बढ़िया आ रही थी। तो इट इज़ रियली टेस्टी, रियली नाइस। जगदीश भाई रियली सैंडविचेस आर वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है सैंडविचेस। जगदीश भाई आपका टाइमिंग्स क्या है यहाँ का? सुबह 9:30 ओके, और रात को 11:30 तक ओके। तो 11:30 के बाद भी जब कस्टमर्स आते हैं तो वो स्पेशली फ़ोन करते हैं अच्छा। कि हम लोग 12 बजे आएंगे या 1 बजे आएंगे, तो उनके लिए स्पेशल पैक करके मुझे रखना पड़ता है। अच्छा हाँ, तो काउंटर पर उनका नाम लिख के रख देते हैं, तो अपने आप वो कैरी कर लेते हैं। अच्छा, और आप लोग स्विगी और जोमेटो पर हो? जोमेटो पर है ना हम लोग, जोमेटो पर, जोमेटो पर। ओके, तो गाइस पुरोहित सैंडविच जो है वो जोमेटो पर भी है, तो अगर आपको ये टेस्टी सैंडविचेस का स्वाद घर पे बैठ के लेना है तो यू कैन ऑर्डर ऑन जोमेटो ऑल्सो। बढ़िया, काफ़ी क्रंची है, आई एम रियली एंजॉइंग। तो गाइज हम लोगों ने अभी ट्राई की इनके जो सिग्नेचर डिश है, ये आलू चीज़ सैंडविच जो है वो ट्राई किया, जो कि उन्होंने 1962 में लॉन्च किया था। उसके बाद में उन्होंने जो 1972 में लॉन्च किया था वो अपने रशियन क्लब फ्राई जो उन्होंने 1972 में लॉन्च किया था वो ट्राई किया, और बाद में अभी हम लोगों ने अभी अभी जिसका मेकिंग देखा पानीनी सैंडविच ना, वो उन्होंने 2022 में लॉन्च किया। तो अब ये टेस्ट करने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली अगर आपको वापस बता दूं कि ये पानीनी सैंडविच है, और ये जो है ये राउंड ब्रेड में बनती है जी सर, और इसके अंदर में मसाला है, इसके अंदर में चीज़ स्प्रेड है, और इसके अंदर में पनीर के टुकड़े भी है काफ़ी सारे, तो इट इज़ स्टफ्ड विथ पनीर टुकड़ास। तो और उसके बाद में 3 मिनट इसको ग्रिल किया गया है, तो ये उससे पनीनी सैंडविच है। तो लेट मी जस्ट ट्राई इट, काफ़ी बढ़िया सैंडविच है। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ सैंडविच, बट इट्स अ वेरी टेस्टी सैंडविच, बहुत टेस्टी है, और इट इज़ बहुत स्मूथ, जो टंग पे बहुत ही स्मूथ है, इट इज़ नॉट वेरी, बहुत तीखी नहीं है सैंडविच, बहुत तीखा नहीं है, बहुत तेज़ नहीं है सैंडविच, इट इज़ वेरी ईजी ऑन द टेस्ट। काफ़ी बढ़िया, चालू कर दे। जगदीश भाई सैंडविच खाते खाते मुझे एक क्वेश्चन आया जी, कि आप तो लोगों को सैंडविचेस खिलाते हैं जी, और आप इतने साल से सैंडविचेस बना के खिलाते हैं लोगों को, तो आपकी कौन सी फेवरेट है इतनी सारी सैंडविचेस में से? वैसे तो मसाले बनने के साथ में हम लोग पहले खा लेते हैं, फिर भी अगर मुझे अगर अच्छा लगता तो आलू मटर। अच्छा, आलू मटर ही है? आलू मटर ही है फेवरेट। ओके, अगर आउट ऑफ स्टेशन है तो उसको फ़ोन करना पड़ता है रात को, तो भाई रखना मेरे लिए, मैं आ रहा हूँ। तो गाइस जगदीश भाई बता रहे हैं कि आलू मटर जो उनकी सबसे पुरानी सैंडविच है और जिससे उन्होंने शुरुआत की, वही उनकी फेवरेट सैंडविच है, तो उनके लिए उनकी फर्स्ट बेबी जो है सैंडविच वही उनके लिए फेवरेट है। बढ़िया,
तो गाइज आपको बता दूं कि वी आर रियली एंजॉइंग अवर सैंडविचेस, हमारी सैंडविचेस खाते खाते बहुत ही मज़ा आ रहा है और सैंडविचेस वैसे भी मेरी फेवरेट डिश है। और अगर ये सैंडविचेस अगर मैं पुरोहित के वहाँ पे खाता हूँ तो उसमें चार चांद लग जाता है, तो काफ़ी बढ़िया है। तो मैं आपको बता दूं कि पुरोहित सैंडविच का जो आउटलेट है वो 9:30 से खुलता है और वो ऑलमोस्ट 11:30 तक रहता है, और ये लोग ऑनलाइन ऐप्स पर भी है, तो अगर आपको घर बैठे खाना है तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं घर बैठे, या तो यहाँ पर आके भी उसका मज़ा ले सकते हैं। तो गाइज अभी दो और सैंडविचेस हमारी आनी बाकी है, तो एक और पानीनी की सैंडविच आ रही है जो कि अलग तरह से बनी है इससे, और एक जो मुझे कब से खानी है वो कैडबरी कैडबरी चीज़ पाइनएप्पल, जो मुझे कब से खाने का मुझे कब से आतुरता है वो खाने की, तो वो भी बन रही है। गाइस हम लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया है, तो एक और पनीनी सैंडविच आ गई है यहाँ पे। ये पनीनी में बेसिकली चीज़ है, कैप्सिकम है और कॉर्न है, और बाद में उसको ग्रिल किया गया है। तो एक और पनीनी आ गई है, और मेरी पर्सनल फेवरेट ये है बेसिकली चीज़ चॉकलेट एंड पाइनएप्पल। ये कब से मैं चाह रहा था खाने के लिए, हाँ। और आज मैं इसको खाऊंगा। तो पहले मैं ट्राई करूंगा, हाँ, करेंगे पनीनी विद चीज़ कैप्सिकम एंड कॉर्न। फिर इस पैक कर देना, डिपेंड इन द सॉस, चीज़ वाले करो, चीज़ वगैरह करो, चीज़ वाले लीजिए कहीं बस, हाँ। पनीर एंड चटनी, रियली नाइस। ये कॉर्न कैप्सिकम ओनियन अने चीज, त्रीजी आवशे पिज्जा पनीर, हमें पिज्जा नहीं ग्रेवी अने चीज। देखिए चीज़ है, अब भी देखो कोई तीखी नहीं है, एकदम लाइट। तो मैं आलू भी तीखे खाऊँ पहले, कॉर्न है और कैप्सिकम है, हाँ शादी नॉर्मल है, सिंपल सैंडविच 75। तो गाइस ये पनीनी सैंडविच जो है ये पुरोहित सैंडविच में अभी लॉन्च हुआ है, और ये काफ़ी बढ़िया है, इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अलग है। तो अगर आपको पनीनी सैंडविच टेस्ट करनी है तो आ जाइए यहाँ पे पुरोहित के ब्रांच पे जो म्यूनिसिपल मार्केट में है, या तो उसकी तीन और ब्रांचेस है वहाँ पे जाइए और ट्राई कीजिए पनीनी सैंडविच, वेरी नाइस, लव्ड इट। तो गाइस मेन कोर्स हो गया, नाउ इट्स डेजर्ट टाइम। तो डेजर्ट के लिए ये सैंडविच है हमारे पास में, और ये जो सैंडविच है आप देख सकते हैं इसमें चॉकलेट है, पाइनएप्पल है और चीज़ है। आई एम श्योर इट्स गोना बी यम, लेट मी टेस्ट इट। फील्स लाइक हेवन, एब्सोल्यूट हेवन, वाओ। बढ़िया आती ही है सर। तो गाइस सैंडविचेस खाने के बाद में अगर आपको डेजर्ट खाने का मन है तो डेजर्ट में भी सैंडविच ही लीजिए, मेरा ये कहना है, क्योंकि इसमें चॉकलेट भी है, इसमें पाइनएप्पल भी है और इसमें चीज़ भी है, तीनों मेरे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स। टेस्ट इसका बढ़िया लग रहा है, हेवनली। इतनी तुम्हारे दिखी थे ना एकदम लाइट से, लगू मजा से खावाने। जैसे मैं बोल रहा था कि जो ब्रेड है वो एब्सोल्युटली सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट ब्रेड। तो गाइस बहुत मज़ा किया है, रियली एंजॉयड दी सैंडविचेस, काफ़ी अच्छी सैंडविचेस खाई यहाँ पे पुरोहित की, और रियलाइज़ किया कि पुरोहित का इतना पुराना नाम है लेकिन उसकी सैंडविचेस जो है वो काफ़ी सालों से हम लोग खा रहे हैं, और उसका टेस्ट अभी भी बरकरार है, जो पहले का टेस्ट है अभी भी आ ही रहा है। तो ये इट इज़ नॉट अ सरप्राइज, बिकॉज जो पुरोहित के मालिक है जगदीश भाई ना, वो यहाँ पे खुद खड़े रह के ही इंश्योर्स डेट यहाँ की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे,
तो मज़ा आ गया सैंडविचेस खाने का और बाद में डेजर्ट खाने का, डेजर्ट सैंडविच खाने का। तो जगदीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको यहाँ पे इनवाइट किया, रियली एंजॉयड अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। तो विद दैट वी साइन ऑफ। तो हम लोग आपके लिए नए नए फूड वीडियोस लाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो विल डेफिनेटली सी यू विद अनदर वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट। आलू वेज ग्रिल, आलू वेज ग्रिल, आप तो नहीं।